तो आज हम बनाएंगे जेम्स की एक वेंडिंग मशीन जिसके अंदर आप पैसा डालोगे और आपको बदले में मिलेगी जेम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये कितने साइज में फिट हो सकती है। मेरे हिसाब से ये 1/2 में फिट हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बीच में हमने जगह छोड़ दी है 1/2 की, अब इसके अंदर डाल के देखते हैं। हाँ, फिट हो रही है, पर ये ब्रिक का साइज जेम के साइज से थोड़ा छोटा है, तो हमको यहाँ पे थोड़ा और कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि ये बिल्कुल सेम साइज हो जाए। तो ये वाली बेस प्लेट थोड़ी छोटी है हमारी लेगो मशीन के लिए, तो उसकी जगह मैंने ये वाली दो बेस प्लेट्स ले ली है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 6x6 की। पर ये फिर भी हमारी एक सबसे छोटी मशीन होगी, क्योंकि हमारी जो पल्स वाली मशीन थी और वो जो हाजमोला वाली मशीन थी वो इससे थोड़ी बड़ी थी। तो चलो बनाते हैं। तो इन दोनों पीसेस को जोड़ने के लिए सबसे पहले ये वाला पीस लगा देते हैं, फिर हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी बनाने में। इधर हमारा कॉइन बैंक होगा जहाँ पे हमारे सारे कॉइन्स कलेक्ट होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक थोड़ी जगह बना देते हैं। तो यहाँ से हमारी कैंडी बाहर आएगी, तो हमको यहाँ पे खाली जगह छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कैंडी होल बना देते हैं जहाँ से हमारी जेम्स बाहर आएंगी। तो मैंने एक ये फ्लैट ब्रिक ले लिए और उसके ऊपर हम एक रैंप लगा देंगे जहाँ पे हमारी ये जो कैंडी है यहाँ से स्लाइड होकर बाहर आ सकती है। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, तो इसके आगे हम स्मूथ पीसेस लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ लग रहा है, शायद आपको भी समझ नहीं आया कि मैंने ये क्या बनाया। मैं थोड़ी बाकी के लेयर्स बनाता हूँ, उसके बाद शायद आपको समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्लो पीस और लगा दिया जिससे कि थोड़ी और स्मूथ हो जाए। शायद अब आपको समझ आ जाए कि मैंने ये क्या बनाया। तो यहाँ पे है कॉइन बैंक की जगह, मतलब कि सारे कॉइन्स होंगे जो यहाँ पे कलेक्ट होंगे, हम यहाँ से ऐसे खोल के सारे कॉइन्स ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो कैंडी होगी, मतलब कि ये, तो यहाँ पे जैसे ये हम खरीदेंगे इसको, तो यहाँ से ऐसे लेट के बाहर आ जाएगी। तो अब यहाँ के लिए एक ढक्कन बना देते हैं, मतलब कि यहाँ पे जब बंद हो जाए, बंद करने के लिए। इधर हमारे स्मूथ पीसेस आएंगे मशीन बनाने के लिए, वो भी बना देते हैं और यहाँ पे ये भी बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने ये वाला पीस लगा दिया कि ये बिल्कुल प्लेन, तो हमें मुश्किल होगी इसको खोलने में, तो इसकी जगह कुछ और लगाते हैं। तो मैंने वो वाला पीस हटा के ये वाला पीस लगा दिया, तो जब हमको खोलना होगा हम ये वाला पीस को ऐसे लगा सकते हैं और फिर ऐसे खोल सकते हैं और अपने कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अंदर स्मूथ पीसेस लगा देते हैं, अब इसके ऊपर मैकेनिज्म बनाते हैं। हम पीछे से इसको येलो रखेंगे क्योंकि ये फिर कोई और कलर नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ पे भी हमने रेड लगा रखा है, उसको भी चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे येलो लगा दिया, यहाँ पे भी हम एक येलो लगा देंगे जिससे कि ये बिल्कुल अजीब लगे। तो यहाँ ये वाला पीस लगा देंगे शायद, और यहाँ पे ये, और जब हम इसको खींचेंगे तो थोड़ा नहीं, तो जब इसके अंदर यहाँ पे पैसे डालेंगे तो ये पीछे आ जाएगा और यहाँ पे हमारी कैंडी आ जाएगी। फिर हम इसको वापस धक्का देंगे ऐसे, ये कैंडी बाहर आ जाएगी। तो ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने कैंडी का साइज चेक करा था ना, यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे हम कैंडी जितनी जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे मैंने कैंडी की जगह बना दी है, तो शायद इतनी हाइट में हमारा ये बन जाए। और हाँ, यहाँ तो भूले, इधर हमको एक चीज़ बनानी पड़ेगी जिससे कि हमारा सिक्का जो है वो इसको धक्का मारेगा और फिर ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे वो बना देते हैं, सिक्का जिसको धक्का मारेगा वो है ये वाला पीस। यहाँ पे ऐसे लगा के दिखाते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको डालेंगे, क्या हो रहा है, थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा। और ये मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ लगाएंगे पर इसके नीचे वाले पे, उसके लिए जगह बना देते हैं। मैंने ऊपर स्मूथ पीसेस भी लगा दिए, यहाँ पे मैंने इसको एक लेयर नीचे भी लगा दिया। सिक्का डालेंगे, तो यहाँ पे ये स्लो पीस लगा देते हैं, सिक्का डालेंगे और इसको ऐसे धक्का मारेंगे तो ये जो है ये खुल जाएगा। हम इसको खींचेंगे पीछे पे, जो हमारी कैंडी है वो गिर जाएगी और फिर हम इसको वापस धक्का मारेंगे तो हमें मिल जाएगी कैंडी। चलो बाकी के लेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, अब ये यहीं तक आएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। तो मैं एक जेम्स और ले आया हूँ, तो ये दोनों डालते हैं, देखते हैं कितने में हो जाएगा। सही है, एक छोटी लेयर और लगा देंगे। यहाँ पे एक छोटी लेयर का मतलब था कि मैं फ्लैट ब्रिक्स की एक लेयर बना दूँ। या तो हम एक काम कर सकते हैं, बस आसपास की लेयर बना देंगे और बीच में एक डिज़ाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया, अब यहाँ पे हम एक डिज़ाइन बना दें। तो यहाँ पे हम ऐसे टोपी टाइप बना देते हैं जिससे कि मस्त लगेगी। तो यहाँ पे मैंने ये टोपी बना दी है इसे लगाने के लिए, इतना मज़ा नहीं आ रहा ब्रो। इधर येलो कर दें क्या, नहीं फिर इसको खोलना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो रहा है। वही खड़ा है, मिल गया ये है ना। तो मैंने इसका ऐसा कुछ बना दिया, अभी मस्त लग रहा है। अब यहाँ या यहाँ पे कहीं पे स्टिकर लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिकर भी लगा दिया जेम्स का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको डेमोंस्ट्रेशन। बताते हैं मशीन कैसे चलती है। तो जब कोई कस्टमर इसके अंदर मंथली डालता है तो ये ब्लैक वाले पीस की वजह से ये थोड़ा पीछे चला जाता है ऐसे, और यहाँ पे हमारी कैंडी जो होती है वो यहाँ ड्रॉप हो जाती है ऐसे। फिर हम इसको वापस धक्का मारते हैं आगे, तो हमारी कैंडी है वो बाहर आ जाती है क्योंकि यहाँ पे अंदर एक रैंप लगी हुई है।
जो हमारी कैंडी होती है वैसे एक के ऊपर एक पड़ी होती है यहाँ पे। तो अगर आपने ये ट्रिगर इंसान वाली वीडियो और एमबीए चाय वाला वीडियो अभी तक नहीं देखी तो अभी जाके देखो। और आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।